बिहार की पांच बड़ी खबरों में सबसे पहले बात आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के स्वास्थ्य की। झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स के मेडिकल बोर्ड ने 22 मार्च को लालू यादव की खराब सेहत का हवाला देकर दिल्ली स्थित एम्स के लिए रेफर कर दिया था। इसके बाद लालू यादव के परिजन चार्टर्ड विमान से उन्हें दिल्ली लेकर गए। हालांकि अब दिल्ली एम्स के डॉक्टरों ने जांच के बाद स्पष्ट कर दिया है कि लालू यादव को यहां इलाज कराने की जरूरत नहीं है। अब रांची रिम्स में ही उनका इलाज चलेगा, जिसे लेकर बिहार में सियासत गर्मा गई है। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने एम्स में लालू यादव के भर्ती नहीं किए जाने पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र और बिहार की नीतीश कुमार सरकार की मिलीभगत से उन्हें एम्स में इलाज नहीं करने का आरोप लगाया है। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि झारखंड में जो रिम्स है उसके मेडिकल बोर्ड ने ही आदरणीय लालू प्रसाद यादव को एम्स में इलाज कराने का अनुशंसा किया था, मेडिकल बोर्ड बैठाकर, और वहां गए। हमको लगता है कि इसमें बहुत बड़ी साजिश हो रही है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जो सामाजिक न्याय के नेता हैं, उनके साथ साजिश हो रही है और उनकी हत्या करने की साजिश हमको लगता है कि ये केंद्र की सरकार और बिहार सरकार दोनों मिलकर कर रही है। बोचहां विधानसभा उपचुनाव में वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी की ओर से दावेदारी के ऐलान पर बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि अब बोचहां की जनता तय करेगी कि वो किसके साथ है, क्योंकि मुकेश सहनी ने वहां एनडीए के खिलाफ अपना उम्मीदवार उतारा है। ऐसे में उन्हें मंत्री पद से भी इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि एनडीए ने ही उन्हें मंत्री बनाया था और अब वो इस बात को भूल चुके हैं। मुकेश सहनी उन्होंने कहा कि कुछ भी होगा हम उनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। क्यों मुकेश सहनी अब तो बोचहां की जनता तय करेगी। अब तो सब देखा है, जो किसने किसको धोखा दिया तो जनता तय करेगी। मुकेश सहनी मंत्री भी है, इस्तीफा दे देना चाहिए इस नाते। निश्चित रूप से शुरू से हम लोग कह रहे हैं, शुरू से कह रहे हैं कि अगर तिनको नैतिकता हो तो जिसने बनाया उसके खिलाफ आप लड़ रहे हैं, इस्तीफा दे दीजिए। कह रहे हैं कहते नीतीश कुमार बनाए से बाहर कर दिया गया। नहीं, वो तो कहते हैं कि नीतीश कुमार ने उन्हें बनाया है मंत्री, वो डिसाइड करेंगे। बिहार की जनता क्या जानती है, क्या हुआ था सब जानते हैं। इसलिए उनका अब जनता बोचहां की जनता तय करेगी। वहां भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार भारी मतों से चुनाव जीते, मंत्री पद पर बने रहेंगे और एनडीए से चुनाव भी लड़ेंगे। अब तो उनका 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 नैतिकता अगर उनको यही कहता है तो वो ठीक है। नहीं बचौल जी, ये कैसा गठबंधन है जिसमें दो चार दलों का गठबंधन है, दो दल आपके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, जो सबसे बड़ा ऐलान से एनडीए का। आप ही कह रहे हैं कि दल है तो अपने हमारे साथ है, हमारे सरकार में है, ये बात है सही, लेकिन वो पार्टी अलग है, वो अपना जनता के बीच में गए हैं। अब बोचहां की जनता तय करेगी क्या हो। बिहार में होली के दौरान जहरीली शराब से हुई मौतों पर विधानसभा में विपक्षी विधायकों ने जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान नीतीश कुमार सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि ये जो मौत है ये सरकार की मिलीभगत से हो रही है, क्योंकि आपके जो माफिया है वो सरकार के संरक्षण में रहकर शराब का कारोबार कर रहे हैं। बिहार में शराबबंदी कानून है ही नहीं, और दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि ये मौत शराब पीने की वजह से नहीं हुई है। देखिए, शराब बंदी नहीं है, हमको लगता है कि सरकार के मिली भगत से और जो शराब के धंधेबाज हैं वो सरकार के संरक्षण में अपना काम वो कर रहे हैं, और ये सरकार रोज कह रही है कि ये शराब से मौत नहीं हुई है। 35 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, दर्जनों लोगों की आंख की रोशनी चली गई है, और रोज ये घटनाएं घट रही है। इस बिहार में सैकड़ों से ज्यादा लोगों को जहरीले शराब से मौत हो गई है, लेकिन सरकार इस बात को झूठलाने का काम करती है, जनता के आंखों में धूल केवल झोंक रही है। ये जनता जानती है कि शराब बिकता है, लोग पीते हैं, और सरकार के संरक्षण में ये शराब का धंधा हो रहा है। बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर नाम वापसी के बाद अब 8 उम्मीदवार चुनाव मैदान में बच गए हैं। यहां बीजेपी के बागी उम्मीदवार के रूप में एमएलसी सच्चिदानंद राय चुनाव मैदान में हैं, जिनके नाम वापसी की उम्मीद एनडीए को थी, लेकिन बड़े नेताओं की ओर से समझाने के बावजूद उन्होंने नाम वापस नहीं लिया। साथ ही एमएलसी सच्चिदानंद राय ने अपने चुनाव अभियान को तेज कर दिया है। इसी क्रम में वो नगरा में जनप्रतिनिधियों से मिले। इस मुलाकात के दौरान सच्चिदानंद राय ने वार्ड सदस्य को पंचायत राज व्यवस्था का सबसे अहम कड़ी बताया और कहा कि उनको मजबूत करने की जरूरत है।
बिहार के इकलौते टाइगर रिजर्व बीटीआर के चियूटाहा वन क्षेत्र में वन भूमि पर कब्जे के नियत से मंगलवार को बड़ी संख्या में ग्रामीण अचानक ही जुट गए। वन कर्मियों और पुलिस बल ने भारी मशक्कत के बाद स्थिति संभाली। आखिरकार भीड़ वन भूमि को छोड़ वापस गई। मामले के संबंध में बताया गया है कि बगहा पुलिस जिला के सेमरा थाना स्थित बरियरवा गांव के पास वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की जमीन पर हजारों की संख्या में लोग कब्जा करने के लिए पहुंचे थे। हालांकि पुलिस प्रशासन ने उन्हें समझाकर वापस भेजा, साथ ही हालात को देखते हुए चौक चौराहे पर भी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। बताया जाता है कि बरियरवा, ढोल बजवा, नौतनवा आदि गांव के लोग यहां आए थे।